भी डोर है और बीच में इवॉल्व डोर है। करता रहा डायरेक्टली मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट इंपोर्ट एलिवेशन इसको इंपोर्ट करते हैं। डायमेंशन में मेरे बता दो। है। मैं मिलीमीटर्स वन ऑब्जेक्ट्स ओके डायरेक्टली इंपोर्ट कर दिया इसके अंदर। सर ये हो ये चालू नहीं कर रहा क्या? हो गया? मेरा गया सर। आवाज आ रहा है क्या आपको? यस सर ठीक है थैंक्स। ओके डायरेक्टली पैन इंपोर्ट किया, स्प्लाइन में कन्वर्ट कर दिया इसको। अभी प्लान की जरूरत नहीं है, एलिवेशन लेता हूँ, खाली एलिवेशन लेंगे, बाकी कोई जरूरत नहीं है अपने को, ये प्लान ऑलरेडी अपने पास है। सिलेक्ट ओनली एलिवेशन, देन इसको अपने करना है डिटैच, डिटैच ये रहा डिटैच। ओके इसको कुछ नाम देंगे, एलिवेशन समझो मैंने पहले बनाया था तो उसको मैं बी नाम देता हूँ, एलिवेशन बी। और एक एलिवेशन हमने लास्ट टाइम डाला था राइट, इसको अपने वो करना है यहाँ पे जाके एरे सी में जाके एफेक्ट पार्ट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है ऑब्जेक्ट के बराबर सेंटर में आना चाहिए, आ गया इसका काम हो गया है, इसको बंद कर दो। मूव ये एक्स वाई जेड पोजिशन पूरी 0 0 0 ठीक है, टॉप में देखते हैं ये कहाँ पे है, यहाँ पे बराबर। अभी इसकी पोजिशन अपनी यहाँ पे किधर ही है सर रोटेट कर रहा है रोटी साइड इसको इंजीनियर रोटेट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे अपना 12 यूनिट है और ये यहाँ पे मैच हो रहा है बराबर, ठीक है अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा 19 20 चलेगा, क्योंकि उसने कौन सी बैंड क्या किया था वो हिसाब से। फिलहाल अपने को ज्योमेट्री भी थोड़ा तकलीफ दे रही बराबर, ज्योमेट्री भी है प्लान भी है, थोड़ा बहुत लाइन्स आने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। पूछा रहे थे तो मैं शिफ्ट जी प्रेस करता हूँ तो उससे क्या होगा, जो ज्योमेट्री बनाई थी मतलब हमने जो ब्लॉक बनाया था या जो भी एलिवेशन बनाया रहेगा वो सब हाइड होएगा, खाली आपको प्लान और एलिवेशन जो भी रहेगी वही दिखेगा बराबर। तो मैं यहाँ पे इधर मैच करता हूँ इसको, यहाँ पे ओके बराबर मैच हो रहा है, और लास्ट में एक बार चेक करते हैं यहाँ पे बराबर मैच है क्या। ओके गुड वर्क। यहाँ पे फिर इसको हम लोग को वर्टिकल खड़ा करना है 90 डिग्री में, देन इसकी हाइट और ये फ्लोर लाइन टू फ्लोर लाइन मैच करना है। गया सर हेलो हाँ हेलो बोल कर सर स्क्रीन दिख रहा है, अभी स्क्रीन दिख रहा है मेरा, आपको स्क्रीन दिख रहा है, किसी सबको दिख रहा है, ऑनलाइन जितने लोग हैं सबको स्क्रीन दिख रहा है मेरा, ओके ठीक है। यहाँ पे फ्लोर लाइन मैंने मैच कर दिया बराबर, अभी अपने को इसको लेयर में डाल देंगे ताकि ये कहीं मूव ना हो जाए,
इसका जो भी एलिवेशन नाम रहेगा पी, पी एलिवेशन, यहाँ पे नया लेयर बना है इसका, ओके इसके अंदर मैंने ऐड ऑन कर दिया इसको, इसको कर देंगे बी वाले को फ्रीज, और इसका कोई कलर आपको जो भी चाहिए कोई कलर चूज कर सकते हो सर। सेलेक्ट नहीं हो रहा है बराबर, ठीक है अभी इसको हम लोग देखते हैं एलिवेशन में इसने क्या डिजाइन बनाया था। इसने कुछ ऐसा कुछ बनाया है कि आपको ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ये रहा ये इसका एलिवेशन है कि आपको इसने मार्बल लगाया फिंस, देन मिरर का एरिया है, मिरर वापस फिंस है, मिरर है, पर इसके बीच में छोटा सा हल्का गोल्ड पट्टी है क्योंकि ग्लास फिटिंग होने के लिए। इसने अभी थोड़ा सा यहाँ पे ये मार्बल है इसका, ये भी मार्बल है इसका, ये भी मार्बल है, ये वाला इसका मिरर वाला एरिया है, और उसने प्रोफाइल भी डाली है, ठीक है प्रोफाइल नहीं आया आपने। हाँ बोले, हाँ ठीक है, ये हम लोग बनाते हैं इसको लाइन से बनाएंगे, स्नैप ऑन, ओके एक रेक्टेंगल बना दिया। अभी मैं क्या करता हूँ शिफ्ट स्प्लाइन में जाके इसी को कॉपी करूंगा, अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, कुछ चाहे तो आप अलग से बना सकते हो। यहाँ पे देखो ये वाला एरिया यूज करना है, ये ऑप्शन में ऑन करता हूँ, मुझे माइनस में वाई डायरेक्शन में ग्रू दिखाने का है, 6 mm का ग्रू, बस हो गया। हाँ नहीं समझते समझते ना, देन ये वर्टेक्स यहाँ पे, मतलब मैंने ये पूरा पैनल बना के लिया, इसी पैनल को मैं आगे कॉपी करूंगा, चाहे तो एक बना लो या अलग से बनाओ आपके ऊपर है। मैं मोस्ट ऑफ मैं बोलूंगा कि अलग से बनाओ, कि यहाँ पे अगर टेक्सचर डालेंगे मतलब कोई मटेरियल डालने वाले हम लोग, आगे पिनियर रहेगा मार्बल का रहेगा, तो अगर एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपका रिपीट रिपीट दिखता है, वही टेक्सचर बार बार रिपीट दिखेगा एक ऑब्जेक्ट को, अलग से ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप अलग से उतना एरिया क्रॉप करके बोलते हैं ना हम लोग, जैसे मोबाइल में क्रॉप करके डालते हैं वैसे क्रॉप करके डाल सकते हो, और उसकी पोजिशन हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ इसी को कॉपी करता हूँ, पर इसको हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, एक्सट्रूड इसका थिकनेस जो भी रहेगा कितना डालू, क्या डालू पैनलिंग है ना, कितना डालना चाहिए, ये जो हम लोग बना रहे हैं ना ये एलिवेशन, ये पैनलिंग होने वाला है बराबर, तो उसके लिए कितना थिकनेस चाहिए, वॉल से कितना बाहर निकालना पड़ेगा, 18 mm बस हो गया, 18 mm का प्लाई में सब बनेगा, कि ये फिंस का पट्टी 18 mm से आता है, उससे ज़्यादा आगे नहीं आता था, 1 इंच वो भी बनाना पड़ता है, वो बना के लेना पड़ता है, 18 इंच का अपने को रेडीमेड मिल सकता है, तो मैं 18 mm का मैं यहाँ पे पैनलिंग डाल रहा हूँ बराबर, ये इसकी पोजिशन यहाँ पे है राइट बराबर है। आगे नेक्स्ट देखते क्या है, यहाँ पे उसने फिंस फिंस डाला है ऐसा अलग से, 1 2 3 ऐसे बीच में, बहुत बड़ा गैप है, ये गैप जो बहुत बड़ा दिख रहा है, ये पट्टी और ये जो डिस्टेंस है ज्यादा हो गया, एक लाइन बना लिया। आप ये 2 मीटर से बना सकते हो, स्प्लाइन में जाके इसका थिकनेस दे सकते हो, मैंने वर्टिकल लाइन बना दिया यहाँ पे, स्प्लाइन में जाके ये लाइन सिलेक्ट कर दिया, इसी का मैं आउटर लाइन बनाऊंगा, ये आउटर लाइन ऐसे बना सकता हूँ माइनस डायरेक्शन में, और इसको मैं एक्सट्रूड दूंगा,
बट ये क्या होता है, कभी एडिटिंग करने के लिए बाद में आपको काम थोड़ा बढ़ जाता है, कुछ मुझे लगता है कि फिर छोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो ये आपको बार बार बनाना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, वापस बनाना पड़ेगा, थोड़ा हार्डवर्क वाला काम है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, स्विफ्ट ये मॉडिफाई दूंगा, बार वाला एरिया उसका स्क्वायर है तो, और इसकी थिकनेस और जो भी साइज है वो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। ज्योमेट्री हाइड है मेरे से शिफ्ट जी, और यहाँ पे ये वाला एरिया मेरा, इसका डायरेक्शन पहले चेक करते हैं कि ये कहाँ पे है, लाइन मेरी यहाँ पे, और ये बराबर जो ऑटोकैड की लाइन है इसके सेंटर में, बराबर, तो अपने को इसका डायरेक्शन ये साइड देने का, ये इधर जाना चाहिए था, तो अपने को ये डॉट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। फर्स्ट डॉट से देखते हैं, नहीं ये रॉन्ग है, सेकेंड डॉट ये डायरेक्शन बराबर। अभी इसका थिकनेस, ये जो थिकनेस है ये देंगे, ये वाला रहेगा, ठीक है। विड्थ इसका कितना है, 25 डालेगा, और ये रहेगा अपना जो पैनलिंग बनाया था उसका थिकनेस, राइट बराबर। यहाँ पे एक मेरी गलती हो गई है कि मैं जो बना रहा था वो पूरा फ्रीज हो रहा है, मैं लेयर में ध्यान नहीं गया था। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो ये अभी जो करंट ऑब्जेक्ट मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, डिफॉल्ट लेयर में जाते हैं यहाँ पे, उसको यहाँ पे इसको बोलते हैं ऐड कर दे डिफॉल्ट लेयर। अभी ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था ना पैनलिंग वाला, वो फ्रीज हो गया, तो इसको टेम्पररी हम लोग क्या करेंगे, अनफ्रीज करेंगे, ये बी वाली एलिवेशन को इसको सिलेक्ट करेंगे, और देन इसको ऐड करेंगे ऐड टू करंट लेयर में, देन बी वाला इलेक्शन अगेन फ्रीज करते हो। ये देखो इसका कलर ब्लू था, मुझे ग्रे दिखा रहा था, या मैंने ब्लैक डाला था ना वो दिख रहा था। फ्रंट में स्प्लाइन ये वाला लाइन पूरा सिलेक्ट कर दिया, इसी का मैं बनाता हूँ कॉपी, टॉप कर देता हूँ। ये वाला एक लाइन है शिफ्ट से, अगेन ये वाला वाला एरिया ये, ओके बराबर है, स्वीप बराबर है, ये पूरा ऑटोमेटिकली सब बनेगा क्योंकि मैं डिस्टेंस ऑलरेडी और सब मैंने डाला है। इसके पीछे जो लगने वाला है कलर या जो भी रहेगा उसका अलग से एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए तो, तूने ये ग्रू ग्रू डाला था और ये फिन्स बना, ठीक है इसको चेंज कर देंगे हम लोग। इसका कहना है कि मेरा जो फिन्स का साइज बड़ा है, एक्स डायरेक्शन में हम लोग इसको यहाँ पे डालेंगे, बराबर है, ये थिकनेस डबल है। तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, इसको साइज में यहाँ पे हम लोग डालते 50, ओके हो गया क्लियर बराबर है। अभी यहाँ पे एक प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल डाला इसने ऐसा, और बीच में मिरर लगने वाला है, तो प्रोफाइल के लिए अलग से शीट लेंगे, प्रोफाइल के लिए हम लोग अलग से शेप लेंगे यहाँ पे, ओके अभी क्या करूँ, स्वीप मॉडिफाई डालो या फिर आउटर लाइन बनाओ और उसका एक्सट्रूड करके थिकनेस दो, दोनों में से आपको जो भी प्रिफरेबल रहेगा वो यूज करो। मुझे ये हमेशा इसका बेनिफिट ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये यूज करता हूँ, देखा रहेगा ऑब्जर्व किया रहेगा, तो मैं हमेशा लाइन को थिकनेस देने के लिए स्वीप का यूज करता हूँ, या फिर जरूरत होगी तो ही मैं आउटलाइन यूज करता हूँ।
ये भी इसका डेप्थ है 25 है, ओके 25 का डेप्थ, 18 mm का भी बराबर। बारह डालू क्योंकि प्रोफाइल है तो वो इतना बड़ा नहीं दिखेगा। ये इसकी पोजीशन यहाँ पे रहेगी और इसके बीच में हम लोग मिरर डालने वाले, बराबर है। ओके इसका मिरर की थिकनेस क्या डालूं, बारह में का मिरर, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे देख लिया रहेगा ये प्रोफाइल में, वर्टेक्स में जाएंगे तो मुझे डबल वर्टेक्स दिखता है यहाँ पे, राइट जो दिख रहा है, क्योंकि मेरा लाइन में से कोई तो बॉटम वाला वर्टेक्स या फिर टॉप वाला वर्टेक्स मूव हो गया, एक लाइन में नहीं है, उसको एक लाइन में लेके आए। ओके ये देखो ये बराबर है, राइट। प्रोफाइल डायरेक्टली कॉपी कर लेंगे तो मेटल का है, इसमें कोई हम लोग अलग से मटेरियल नहीं लगने वाला है, या कोई टेक्सचर मटेरियल नहीं लगने वाला है, तो मैं उसी का डायरेक्टली कॉपी कर सकता हूँ। सभी सेम है हाँ सेम साइज में है और मटेरियल तो कहीं नहीं है, गोल्ड या फिर आप एसएस डालोगे या फिर कोई अलग से कॉपर। हाँ बोलो कौन बजा रहा। तो यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे एक है, और फिर बस इतने मेटल के जो प्रोफाइल है वो हमने डाल दिए। अभी मिरर भी कॉपी कर लेंगे इसका, मिरर वाला एरिया लाइन में चला गया मैं। ओके स्प्लाइन में इसी को कॉपी करना है जैसे मैंने प्रोफाइल को कॉपी किया। ठीक है आप चाहे तो इसका एक ग्रुप बना सकते हो, एक प्रोफाइल बना दिए अंदर का ग्लास, उसका ग्रुप बनाओ और फिर कॉपी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट क्या होता है जब ग्रुप बनाते हैं, हम लोग ग्रुप बनाना मालूम है ना, मैंने ग्रुप दिखाया था आपको, बना नहीं बताया था। ग्रुप का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, समझो एक टेबल के ऊपर अपने कुछ एक्सेसरी रखे, बुक्स रखे और एक फ्लावर पॉट है, कोई ऑब्जेक्ट से तो उसका ग्रुप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइड में बना रहा हूँ, इसमें नहीं बना रहा हूँ, ये मेरा बॉक्स है, ये एक सिलेंडर है, समझो ये ऑब्जेक्ट है, कोई एक्सेसरीज वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये तीन ऑब्जेक्ट मेरे पास है, मुझे यही ऑब्जेक्ट साथ में चाहिए, जब मैं मूव करूंगा तो मुझे ऐसा एक सिलेक्ट करूँ, फिर कंट्रोल से दूसरा सिलेक्ट करूँ, तीसरा सिलेक्ट करूँ और फिर मूव करूँ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है,
मूव करते हुए कोई तो ऑब्जेक्ट छूट जाता है और वो उधर रह गया, वही दूसरा दूसरी जगह चला गया। ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे रहता है ग्रुप, इसके अंदर डालने का ग्रुप, और यहाँ पे जो भी नाम देना है आपको, एक्सेसरीज 1 2 3 4, या फिर जो भी आपका बुक्स वगैरह नाम रहेगा वो डालो। ओके, क्या होता है जब मैं किसी एक को सिलेक्ट करूँ, इसको करूँ, इसको करूँ या इसको करूँ, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करूंगा तो सब सिलेक्ट होंगे और ये पूरा मूव करते वक्त साथ में रहेगा। जैसे हम लोगों ने ये कंडीशन में ये बनाया था, मैंने प्रोफाइल और ये सब मैं आपको बोला कि कॉपी करो। जब आपको एडिट करना पड़ता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप में जाके ओपन करना पड़ेगा, देन इसको सिलेक्ट कर, किसी एक को सिलेक्ट करके एडिट करो, बराबर है। फिर इसकी अरेंजमेंट चेंज हुई रहेगी तो अरेंजमेंट वापस आपको करेक्ट करना पड़ेगा, देन ग्रुप क्लोज। समझो कोई और एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया है और आप चाहते हो कि इसको ग्रुप के साथ आना चाहिए, तो आपको ग्रुप में जाना पड़ेगा, अटैच, और जो भी ग्रुप रहेगा, जो ग्रुप में आपको ऐड करना है उसके ऊपर क्लिक करो, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हमेशा ये ग्रुप के साथ रहेगा। ठीक है, एक आपका ग्रुप है, कोई नया फ्रेंड आया उसको आपने ग्रुप में ज्वाइन कर लिया, बस ये होता है ग्रुप के अटैच मैसेज आते। किसी एक को ग्रुप में से निकालने का है, ग्रुप में जाओ, ओपन करो, इसको नहीं ग्रुप में रखने का, आपको ग्रुप में जाके करना क्या, डिटैच, देन किसी एक को सिलेक्ट करो, ग्रुप क्लोज, ये अलग हो गया। ठीक है, समझा? ओके, इतना तो हमारा बन गया। अभी ये प्रोफाइल जो मैंने बनाई थी मैं इसे को डायरेक्टली कॉपी करूंगा, या फिर इसको अलग से अलग रखना था, अलग रखो शिव जी, हाँ ज्योमेट्री है। हाँ, वाला है, हाँ शिव जी। टेम्पररी आपको डिस्प्ले में से नहीं दिखेगा, बट जब शिव जी करते हो तो सब ज्योमेट्री हेड होता है। आप ऐसा नहीं कि जो बना रहे हो और मुझे वही दिखना है और बाकी का नहीं दिखना, तो आपको ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ करना। हाइड करने करने के बाद क्या करेगा, वापस शिव जी दबाएंगे तो वापस ऑन होगा, शिव जी हाइड, शिव जी ऑन। ठीक है, अगर आपको समझो ऐसा चाहिए कि मुझे ये वाला वॉल दिखना चाहिए और बाकी का कुछ नहीं दिखना है, बराबर है, तो मैं ये पूरा सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, बट इसके पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, अगर मुझे प्लान की जरूरत होगी और एलिवेशन की भी जरूरत होगी तो उसको लेयर में हाइड करके रखना पड़ेगा। ठीक है, मुझे अभी एलिवेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पॉल को ही पैनलिंग कर रहा हूँ, तो फिलहाल मैं ओनली बी वाला एलिवेशन जो मैंने रखा था उसको हाइड कर दिया, जितना एरिया चाहिए उतना मैंने सिलेक्ट कर दिया है। मैं इसको करता हूँ अल्ट क्यू आइसोलेशन, या फिर राइट क्लिक करके आइसोलेट सिलेक्शन करके आएगा ये ऑप्शन, अल्ट क्यू सिलेक्ट कर दिया, फ्रंट में मुझे अभी इतना ही दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है, और मैं एलिवेशन का जो लेयर है उसको मैं ऑन कर, मुझे उतना ही पार्ट दिखेगा, बाकी का कोई पार्ट नहीं दिखेगा। मैंने अभी टेम्पररी हम लोगों ने आइसोलेट कर दिया उसको। हाँ, ये थोड़ा काम करने के लिए आसान तरीका है, बाकी का वो ज्योमेट्री उसके लाइंस वो सब दिखते हैं तो होता है, हमारे साथ भी होता है। ओके, स्प्लाइन में जाके अगेन, अभी ये थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा भी हो सकता है, तो मैं सेम है सर। ओके, तो मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ, इफेक्ट देखने के लिए हम लोग ये ऑप्शन यूज करते हैं, बराबर, शो एंड 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 रिजल्ट। ओके, इसको ऑन कर दिया, कॉपी, शिफ्ट से मैंने कॉपी कर दिया। ओके, मैच है, इसमें से कोई तो कम ज्यादा रहेगा, करेंगे हम। ये एक्स्ट्रा है, इसको डिलीट कर देंगे।
इसको सिलेक्ट कर देंगे स्प्लाइन को और इसी को हम लोग कॉपी बना देंगे। मैच ओके, ये पूरा सिलेक्ट, सिर्फ से कॉपी ये भी एक्स्ट्रा है, डिलीट ओके डन। अपना प्रोफाइल जो फिंस वाला एरिया था वो मैंने कवर कर दिया, अभी बचा है खाली ये पैनलिंग वाला एरिया। मैं इसको अलग से कॉपी करूंगा, सेम ऑब्जेक्ट्स में कॉपी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टेक्सचर डालना है उसके ऊपर, कोई मार्बल या विनियर लैमिनेट जो भी रहेगा मटेरियल, इसके लिए अलग से लेंगे। कॉपी टेक्स्ट, और अभी ये यहाँ पे डिजाइन थोड़ा अलग है तो बॉटम का जो भी शेप है वो मैं डिलीट मार देता हूँ, ये वाला स्प्लाइन, ये वाला नीचे का स्प्लाइन नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दिया। वर्टेक्स ये वाला एरिया रहेगा इधर, ये रहेगा इधर, ठीक है। अगेन स्प्लाइन में जाके ओवरऑल पूरा शेप कॉपी, शिफ्ट दबा के कॉपी, ये यहाँ पे होना चाहिए, सेगमेंट में जाता हूँ और ये वाला यहाँ पे मैच करता हूँ। पूरा शेप बन गया, इसी को कॉपी करेंगे डायरेक्टली, इधर है कॉपी, सेम रहेगा तो इंस्टेंट यूज करो, वर्टेक्स इसको एडिट करना है। बचा हुआ डोर का ही है, यहाँ पे डोर था, यहाँ पे डोर है और यहाँ पे डोर है। तूने ये ग्रूव जो है ना, अगर तू ये सेम पैटर्न इधर भी बना था ना डोर के पास, पिंच नहीं, ये डबल ग्रूव वाला ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी ग्रूव आएगा और यहाँ पे भी ग्रूव आएगा, ये ग्रूव डाल रहा है तू, कोई मटेरियल तो सेम है, सब सेम है, ये थोड़ा अच्छा दिखता था। ये वाला शेप यहाँ पे कॉपी, और के पास साइज छोटे मोटे ना, ये बराबर मैच हो गया, यहाँ पे ये शायद मुझे लगता है छोटा है इससे, ओके हो गया। देखते हैं अभी 3D में क्या बनाया।
बराबर है। बराबर है, बैकवर्ड बराबर है का शुक्ला माधव। कि ये प्रोफाइल यहाँ पे मिरर और ये फिन्स का जो भी मटेरियल रहेगा वो हम लोग मटेरियल के टाइम सोचेंगे क्या है, क्या लगने वाला है। फिर देन ये मार्बल रहेगा तो मार्बल, फिर फिन या लैमिनेट जो मटेरियल यूज करने वाले हैं। ओके, फिर नेक्स्ट वाला एरिया था तो एक ही बनाया था, एक ही बनाया। एक तो समझा तो कटलरी है का तो पैसेज ही कटलरी ठीक है, ये स्टोरेज का मैं से फोटो लगा है भाई सुबह एक तरह चखाती है हाँ हाँ जैसा वाला पार्ट अच्छा अच्छा पैसेज का मतलब मुझे इस तरह का ना यहाँ हेलो पे बोल रहा है क्या फिर? अरे छोटा स्पेस है ना, हाँ देखा साइड ला अपन जब फोटोज वगैरह से ला हाँ तो रेफरेंस देखेगा ना, तो जी फिंस ला रहे इसका एरिया बहुत इस बड़ा है हाँ विड्थ में, तो ऐसा भी कर सकता है डायरेक्टली ग्लास का फ्रेम बना सकता है, ऐसा ओपन रखने की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल है। इसका डेप्थ भी कम है तो लोग कुछ तो ज्यादा बाहर काउंटर टाइप की लस्ट था पर ठीक अरे तो पासिंग था कि नहीं था जीवन डाल रहे थे पासिंग और टिकट हो गए कैसा करना विंडो हाँ विंडो नहीं ना है, अगर काउंटर तो पढ़ो ना तो डाला देवर है यहाँ पे, होटल नहीं है तो ले हाँ ले तो उसको दे दो, ऐसा नहीं है। बाहर काउंटर टाइप कर रहा लगे कटले जे बॉटल्स कर प्रॉपर डिस्प्ले एरिया है वो, हाँ ठीक है। ये हम लोग डिजाइन के बारे में कुछ सोचेंगे, फिलहाल तो अपना इतना रेडी है। भी बच्चा अपना एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया बच्चा है, ये तो रेडी हो गया। ये वाला एरिया तो मेरा बन गया, ऐसा सिंपल मैंने कोई मिला तो हाँ ऐसे ही बना दो। बट ओके, ये वाला एरिया भी मैं खुद के दिमाग से बना रहा हूँ कि वो क्या करना है। अपने को यहाँ पे ना एक शटर टाइप बनाना है, डबल ठीक है। लाइन से अगेन एक लाइन बनाना है अपने को, क्रॉकरी वाला यूनिट जो वाला एरिया है ना पीछे जो बचा था हम लोग ये कवर कर लेंगे। देन अभी अपना मतलब ऑलमोस्ट लिविंग रूम का एरिया जो है वो खत्म होएगा, मटेरियल बाद में जैसे पड़ेंगे तो वैसा मटेरियल और देन लाइटिंग जैसा लाइट्स पड़ेंगे, तो इफेक्ट के लिए थोड़ा लाइट बाद में एड ऑन करेंगे। पीछे एक छोटा पैनलिंग करना पड़ेगा अपने को, तो मैं यहाँ पे 18 डायरेक्ट उतर आता है यूनिट आता है उतर एम का पैनल आता है ना डायरेक्ट उतर आता मतलब पीछे डायरेक्ट है वॉल टाइप ये ना था आप लोग वॉल एक्सेस होती है ना डायरेक्ट, मतलब मैं क्लोज करते हैं पिक्चर। ठीक है, एक्सट्रूड ये 18 mm का मैंने 6 प्लाई लगा दिया ताकि वो पीछे का एरिया कवर हो जाए। भी यहाँ पे अपने को एलिवेशन क्या करने का है, स्टोरेज बनाना है। दो मेथड से बना सकता हूँ, दो अलग से मतलब एक छोटा सा ऐसा स्क्वायर वाला स्टोरेज और उसके बाजू में और एक, ऐसे दो बना सकता हूँ और वो ओपन रखना पड़ेगा, क्लोज नहीं होगा क्योंकि वो छोटा वाला एरिया। तो मैं सोच रहा था कि ये हम लोग
ग्लास में फिट करके, मतलब पूरा उसका प्रोफाइल का, मेटल का प्रोफाइल रहेगा, अंदर ग्लास रहेगा और पीछे जो भी क्रॉकरी जो भी उसको रखना है वो हाइड रहेगा ताकि वो डस्ट वगैरह से भी वो बच जाएगा। हाँ? मतलब वॉल से टच होके डायरेक्टली अपने को प्रोफाइल दिखने वाला है, आगे कुछ साइड में कुछ फर्नीचर का कुछ ऑब्जेक्ट नहीं दिखने वाला, डायरेक्टली वॉल खत्म हो गया जिससे प्रोफाइल डायरेक्ट खुल गया अंदर प्रोक्रेट हो, ऐसा। ठीक है, ये मैंने एक और एक रेक्टेंगल बना दिया और इसको हम लोग करेंगे वर्टेक्स में जाके मिड पॉइंट मैच करना है, मिड पॉइंट इसका, ये जो शेप बना था मैंने इसका मिड पॉइंट मेरे को मैच करना है, बराबर। शिफ्ट से जाके मिडल में जाएंगे और ये मैंने यहाँ पे इसका मिड पॉइंट मैच कर दिया। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा हम लोग 3 mm का और शिफ्ट करेंगे बैकवर्ड्स, ये फॉरवर्ड हो गया, ये इसका बैकवर्ड में हम लोग 3 mm का थोड़ा सा मूव कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? आदित्य बता जरा, मैंने इन दोनों के बीच में गैप क्यों रखा? 3 mm मैंने शिफ्ट कर दिया था, और बंद करेंगे तो थोड़ा सा गुरु दिखेगा अपने को, हल्का सा। क्या बोला? बराबर, तीन में लिया और ये इसको मैं मिरर करूंगा तो 3 इधर से 3 उधर से, बीच में 6 रहेगा ना, बराबर। डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको, डिवाइड डिवाइड बराबर। अच्छा, ऊपर सीलिंग में बोले, सीलिंग पलटा ऊपर ऊपर कर रहे हैं, बराबर इसका पॉइंट बराबर है, क्या कर रहे हैं? ऊपर से भी 3 mm छोड़ देंगे, 6 mm छोड़ोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। अब मैं 3 रख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा रखूंगा ना तो ब्लैक ब्लैक दिखता होगा सीन में। और यहाँ से कितना छोड़ूं बॉटम में से? बॉटम में से 6 mm फ्लोरिंग पर टच थोड़ी करूँ। फुल हाइट यूनिट है, कैसे बनाएगा यूनिट, कैसे बनेगा? स्टार्टिंग ओके, 3 इंच छोड़ना तो पड़ेगा डायरेक्टली, वो फ्लोर के ऊपर नहीं रखने वाले, बराबर। स्वीप प्रोफाइल, स्नैपिंग हो गया, माइनस सिक्स, ओके बराबर है। हाँ स्वीप प्रोफाइल, यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट अपने को चेंज करनी है। ओके, यहाँ पे प्रोफाइल थिकनेस कितना आएगा? प्रोफाइल डिफाइन, ट्वेंटी फाइव बहुत हो गया, और यहाँ पे भी हम लोग डालेंगे चाहे तो 25 बस। ओके, अच्छा ओके,
भी हाँ हो गया मेरा ये प्रूफ। इस स्वीप के अंदर यहाँ पे ना एक स्मूथ का ऑब्जेक्ट रहता है, स्मूथ ये इसको कॉर्नर बोलते हैं, ये कॉर्नर रेडियस ठीक है। ये क्या काम करेगा अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे कर्व हो जाएगा, तो मैंने तीन डाला तो कर्व हो जाएगा, ऑल साइड चारों साइड से कर्व हो गया। जीरो रहेगा तो ऐसा रहता है बॉक्स जैसा दिखेगा, बट अपने को जितना कर्व चाहिए वो हिसाब से आप डालो, तो मेटल का पट्टी थोड़ा हल्का स्मूथ रहता है, वो एजेस स्मूथ रहते हैं ठीक है। बराबर है, बराबर है गर्ल्स, बराबर है। कॉर्नर रेडियस ऑप्शन रहता है यहाँ पे, हाँ आप जो थिकनेस डालते हो ना विड्थ एंड लेंथ का, उसके नीचे बराबर कॉर्नर रेडियस ऑप्शन है वो वाला। अगर ये आपको ये ऑब्जेक्ट अगर अपने नॉर्मल बॉक्स से या फिर एक्सट्रूड देके बनाया रहेगा था ना, तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता, बराबर। क्या कर सकते हैं आप इसको, तो कैसे बनाएंगे फिर, कौन बताएगा मुझे। समझो आपने ये वाला स्वीप का मॉडिफाई का इस्तेमाल नहीं किया, तो बॉक्स बनाया पर मुझे साइड में इसका प्रोफाइल में कॉर्नर चाहिए, तो उसको आपको पॉली में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन चैम्फर करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको, बराबर एज पकड़ के चैम्फरिंग करना पड़ेगा। स्वीप में से डायरेक्ट रेडीमेड है, खाली आपको अमाउंट डालना है जितना चाहिए। इसी को हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट देंगे। अभी मैं यहाँ पे ऑफसेट के लिए डायरेक्टली मैं क्या यूज कर रहा हूँ, आउटलाइन, और ये सेंट बॉटम का सेगमेंट में यहाँ पे लेता हूँ। अभी मैंने ये ऐसे बना जो ऑफसेट डालूंगा फिर एक्सट्रूड करूंगा, बराबर। मैं एक दूसरे मेथड से बना सकता हूँ ऐसा, मैं अगर मैं बॉक्स बना दिया और ये बीच वाला ऑफसेट नहीं बनाया, समझ ये मैंने नहीं बनाया ठीक, और यहाँ पे एक्सट्रूड दे दिया जितना मुझे एक्सट्रूड देने का है, ठीक है मैंने इतना बना दिया ठीक है। हम लोग इसको बाद में एडिट कर लेंगे, मैच करेंगे इसको ठीक है। लाइन से एक्सट्रूड से जितना डेप्थ चाहिए उतना मैंने डेप्थ दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली कर दिया डायरेक्टली इसको ठीक, कन्वर्ट टू पॉली, कन्वर्ट हो गया, पॉलीगन में चला गया मैं, फर्स्ट वाला फेस फॉल जो फ्रंट फेस में पॉलीगन है ये वाला, ये बैक फेस फ्रंट फेस बराबर, फ्रंट फेस वाला मैंने पॉलीगन सिलेक्ट कर दिया। अपने को आउटलाइन चाहिए, अभी पॉलीगॉन में ही अपने को आउटलाइन चाहिए, जो अंदर का एरिया आप ऑफसेट बोलते हो उसको, ऑफसेट चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे इनसेट नाम की एक चीज होती है, ये वाला इनसेट, ये इनसेट में चला गया, मुझे कितना इनसेट देने का है वो अमाउंट में यहाँ पे डालूंगा ठीक है। कितना जो रेड वाला एरिया अंदर आ गया, देखो आपको रेड नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक दिख रहा है क्या, ठीक है तो रेड वाला एरिया उतना अंदर आ गया, यहाँ पे मैं करता हूँ ओके, देन वर्टेक्स में जाके हम लोग इसको एडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि बॉटम वाला एरिया अलग है, इसका हाइट ज्यादा है, ठीक है। अगेन पॉलीगन में चला गया, मैं जो ऑलरेडी पॉलीगन मैंने सेलेक्ट किया था वो अपने आप सेलेक्ट होगा, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं। अगर गलती से आपने बाहर क्लिक कर दिया तो वो डिसेट रहेगा, अगेन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ठीक है। अब इसका डेप्थ देना है पीछे, बराबर है, ये पूरा सॉलिड है,
आउटलाइन दिया, बस इतना ही हो गया। इसको डेप्थ देने के लिए क्या करेंगे, एक्सट्रूड देंगे, और ये एक्सट्रूड को हम लोग करेंगे माइनस में। पीछे जा रहा है देखो, ब्लैक वाला एरिया पीछे जा रहा है। तो मुझे पीछे वाला जो पैनल डाला था ना मैंने अलग से, वो डालने की जरूरत नहीं, समझा? ये जो मैंने पीछे अलग से एक रेक्टेंगुलर बनाया था ना, वो मुझे बनाने की जरूरत नहीं हुई। ये 18 mm वाला, इसको डिलीट मारो। एक्सट्रूड मैंने ठीक है, ये पैनल की जरूरत नहीं है, पैनल मैंने निकाल दिया, डिलीट। अभी इसके वर्टेक्स में जाके हम लोग इसको मैच कर देंगे बराबर। आपको लगता है कि ये और थोड़ा डेप्थ होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली वर्टेक्स सिलेक्ट करो ये सब। ठीक है, इतना सा, और ये फ्रंट वाले डायरेक्टली प्रोफाइल पर मैच करो। मैच, ओके, डन। देखते हैं 3D में क्या बन रहा है। स्विफ्ट में से प्रोफाइल, बीच में ग्लास लगेगा, और ये बॉक्स मैंने जो अभी नया मेथड, मतलब पुराना मेथड है, आपने देखा था ये सब बेसिक जब भी पढ़ा था मैंने, अभी भी मैंने इसका यहाँ पे इम्प्लीमेंट बॉक्स बनाया था, उसको मैंने कन्वर्ट टू पॉली किया, फ्रंट फेस वाला पॉलीगन पकड़ा, इंसेट किया उसको, जितना थिकनेस ऑफसेट चाहिए आपको उतना ऑफसेट किया इंसेट से, देन वही उसी पॉलीगन को, उसी फेस को मैंने अंदर एक्सट्रूड किया। तो जैसे आपके साइज का अभी ऑफसेट बोलते हैं, डिपेंड है, वो स्लीक प्रोफाइल भी आते हैं आजकल, एकदम पतला लाइन दिखता है और पूरी ग्लास दिखती है, आपको समझ भी ना आता है। फिटिंग पीछे से होता है, साइड में एज दिखता है, ऐसा भी होता है, या इसके भी थिकनेस आते हैं छोटे छोटे, अलग अलग प्रोफाइल है अभी, नया नया फिटिंग्स, नए नए। अगर आपको लग रहा है एक ही कम है तो आप बढ़ा दो इसको, चाहे उसको 2 इंच करना, 2 इंच डिपेंड आपके ऊपर है। मैंने 1 अमाउंट में से पूरा बराबर 2 इंच मैंने इसको अंदर की तरफ ले लिया, बीच में ग्लास लगेगा। अभी ये ग्लास कौन सा रहेगा, प्लेन ग्लास नहीं लगाएंगे हम लोग, हाँ टिंटेड ग्लास लगाएंगे, या फिर एक ग्लास के बहुत सारे भी टाइप है, वैसे कौन सा भी ऐसे, हाँ कलरफुल ग्लास बनाते हैं ऐसा, या फिर फ्लूटेड ग्लास करके एक ऑप्शन आता है, ऐसा दिखता है फ्लूटेड कुछ ग्लास ही। ये रहा, ऐसा कुछ ग्लास डालेंगे हम, इसको इफेक्ट बनाना पड़ेगा, मटेरियल में बनाना पड़ेगा, फिर ये
मालूम है ना? ठीक है, ये क्लास हम लोग बाद में इसमें देखेंगे, मटेरियल में जब भी करना पड़ेगा तो इसका ऑब्जेक्ट मिलता है अलग से। मटेरियल सेटिंग का सर कोई बोले ना, टेक्सचर और क्लीन टेक्सचर्स आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मटेरियल के लिए, आप चाहे तो कलेक्शन बना लो, आपको जो भी मटेरियल चाहिए ना, एक वेबसाइट होता है देखो, ये वेबसाइट है पॉली हेवन करके, इसके अंदर जाने का आपको लॉग इन करना पड़ेगा और आपको जो भी टाइप के मटेरियल चाहिए, यहाँ पे मटेरियल्स के टाइप्स है इसके, फ्लोर में जाएंगे तो फ्लोरिंग का, लैमिनेशन आपको वुड में जाना पड़ेगा, वुड कैसे टाइप के वुड चाहिए आपको, नहीं वो तो मॉडल में हो गया, ये आप डाउनलोड कर सकते हो, बट जो फ्री वाला है, हाँ जो भी फ्री वाला है वही मिलेगा। हाँ या फिर आप डायरेक्टली प्रिंट प्रेस से भी निकाल सकते हो, प्रेस में भी अच्छा अच्छा टेक्सचर मिलता है, वो भी ले सकते हो। ओके इतना तो हम लोगों ने बना दिया, ठीक है बाद में अभी मटेरियल चालू करेंगे, और जो भी ये वाला एरिया अगर आप नेक्स्ट लेक्चर से तो कोई देता है मुझे डिजाइन करके, ये पीछे वाला एरिया लिफ्ट वाला एरिया है, सूर्य वगैरह नहीं यहाँ पे प्लान में क्या है, यहाँ पे लिफ्ट है, यहाँ पे स्टोरेज है, ये शूर है के यहाँ पे सिटिंग विटिंग रहेगा, जो भी गेस्ट आएगा जो भी, तो उन लोग के लिए सिटिंग आएगा, कुरियर बॉय वगैरह जो आता है ना के लिए सिटिंग वाला एरिया है बस, और यहाँ पे पीछे आपको जो भी डिजाइन करना, सिटिंग वाला एरिया है ये, यहाँ पे डोर है किचन में जाने के लिए, ये आपका जो भी अगर आपको बनाना है तो ये डिजाइन करो, नहीं तो फिर ये यहाँ पे खत्म करते हैं इसको, सीलिंग इसका बनाते हैं। इसका सीलिंग का डिजाइन, हाँ किचन पार्ट बनाते हैं, पहले इसका सीलिंग खत्म करना पड़ेगा क्योंकि सीलिंग नहीं बनाया था इसका, हाँ इसका डिजाइन इसने नहीं बनाया था, तो आप सोचो इसके बारे में। हाँ ये क्या करो, यहाँ पे एक बीम रहेगा, इधर बीम है, ये वाला एरिया बीम लेवल में लेंगे और ये अप डाउन करना है तो इसके अंदर ही खेलना पड़ेगा, सीलिंग की डिजाइन सिंपल ये बनाया था, उनको क्या चाहिए वो भी बना दो, तो फिर मैं बना दूंगा, ठीक है सेव करो इसको। ओके नेक्स्ट लेक्चर बाद में जो भी रहेगा वो कवर करेंगे, अभी किसी को डाउट डाउट है किसी को, आपको बंद है ऑनलाइन, आपको किसी को डाउट कुछ, किसी को डाउट नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभी सबको दिवाली के वैकेशन का भी चालू होने वाले, अभी 10 तारीख से तुम नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो सब साइलेंस, आपको ये प्लान मिला है सबको, सबके पास मेरा प्लान है, ऑफलाइन स्टूडेंट्स आपके पास अगर प्लान नहीं रहेगा तो मैं शेयर करने बोलता हूँ मैम को, आपको क्या करने का, ये जो डिजाइन है ना, सॉरी ये जो प्लान है इसके अंदर डिजाइन करने का है, तुम लोग कभी बोल रहा हो लिविंग एरिया हम लोगों ने इतना बड़ा बनाया बराबर है, ये सब बेडरूम से
किचन आप स्किप करो चाहे, अपना किचन का लेक्चर हो गया तो ठीक, अदरवाइज आप किचन मत बनाओ। बट मुझे दिवाली के बाद, दिवाली के बाद मैं शायद छुट्टी पे हूँ, 15-20 दिन में नहीं रहूँगा, दिवाली वैकेशन खत्म होने के बाद। तो आपको ये पूरा जो है ना, पूरा फ्लैट, ये सब पूरा फ्लैट है, पूरा मॉडल करके बनाना है। एक ही ऑब्जेक्ट मतलब एक ही इसमें सब मत बनाओ, क्योंकि लैग होता है, क्योंकि अभी ये लैपटॉप मुझे लैग हो रहा था। हाँ, अच्छा अब क्या करो, ये बेडरूम बना रहे हो ना, तो ये बेडरूम बस बेडरूम ही, उसका अटैच जो भी बाथरूम है, वॉक इन वाला एरिया है, वो भी मत बनाओ, ठीक है? तो बाद में बोलेगे मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा था, वो रीजन मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसलिए मैं पहला अभी बोल रहा हूँ कि आपको खाली उतना एरिया ही बनाना है, बेडरूम बोला खाली बेडरूम, डोर है तो वो पीछे का कुछ दिखने वाला नहीं है, आप ग्लास नहीं लगाने वाले हो तो नॉर्मल वो नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, बट आपको ये सब बनाने का है, वॉक इन वाला एरिया बनाना है, बेडरूम बनाना है, ऑल बेडरूम्स विथ इंक्लूड, खाली डब्बे खड़ा नहीं करने का, तो वॉल बना के विंडो डालोगे बस खत्म, ये हो गया मेरा बेडरूम। नो, ऐसा नहीं रहेगा, ये जो हम लोग बना रहे थे ना अभी, ये मैंने जैसे बनाया ना डिजाइन, पूरा एलिवेशन के साथ खड़ा कर दिया है, आपको ये बनाना है, खाली ब्लॉक बनाना है इसका, इसके मटेरियल हम लोगों ने क्या, मैं फिर आप बाद में डालो, जैसे मटेरियल आएगा वैसे आप लोग इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो। मैं मटेरियल पढ़ाऊंगा ना जैसे आपको, तो आपके जो भी ये मॉडल बना रहेगा सब, कितने बेडरूम्स है इसके अंदर अभी, 1, 2, 3, 4 बेडरूम है बराबर, ऐसे ही बिल्कुल 4 बेडरूम। सर, तुला तो डिझाईन पाहिजे, तुझं डिझाईन, मला काय करायचं, प्रॉब्लेम तुझं डिझाईन आहे ते, माझं नाही आहे ना, नाही पडत नाही, बोला बनव ना, काय डोकं लावतो, परत बनव। तर आपण हे 4 बेडरूम विथ इन्क्लूड लिव्हिंग एरिया और बेडरूम के सब वॉक इन वाले एरिया, तो नहीं ये वॉक इन, ना देना ये तो बेडरूम का खाल सा। हाँ तो डब्ल्यू सी एरिया, पाहिजे बनवायची तेच तर तुम्हाला बनवायचे ना बाबा।